गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, अज असीं पंजाबी दी व्याकरण ते लेख रचना विचों पाठिक भाषा या बोली बारे पढ़ांगे। बच्चो, इस पाठ नूं पढ़न तो पहला आओ भाषा या बोली की है इस नूं समझिए। बच्चो, जब तुहानूं भुख लगती है तो तुसीं अपनी मम्मी कोलों घर विच रोटी बोल के मंगदे हो ना, ते जब तुहाडे एग्जाम होंदे हन, पेपर होंदे हन, ते तुसी अपने क्वेश्चन दे आंसर, प्रश्नां दे उत्तर लिख के देंदे हो ना, ते जब मैं तुहानूं कोई पाठ दी दोहराई करन लई कहनी हां, ते तुसी उस पाठ नूं पढ़ के समझदे हो ना। ते बच्चो, जदों असी अपने भावां या विचारां नूं शब्दां राहीं बोल के लिख के दूसरिआं सामने प्रगटाउंदे हां जां दूसरिआं दे विचारां नूं समझदे हाँ, उसनूं बोली जां भाषा आखदे हाँ। ते फिर भाषा शब्दां द्वारा एक दूसरे नाल अपने मन दे भावां नूं सांझा करन दा साधन है। बच्चो, आ हुण पेज नंबर 6 नूं पढ़ के होर जानकारी लईए। आओ बच्चो, हुण इस पाठ नूं पढ़ के अपनी नॉलेज नूं होर वधाईए। असी भाषा विच बोलदे अते सिखदे हाँ, जिवें कि असी डिस्कस कीता कि भाषा विच असी बोलना, लिखना, सुनना, समझना सब कुछ सिखदे हाँ। इह तस्वीरां नूं वेखने हाँ अते समझने हाँ। दो कुड़ियां आपस विच गल्लां कर रहियां हन अते एक बच्ची लिख के अपने विचार प्रकट कर रही है। बच्चो, आओ तस्वीर एक विच वेखिए। तुहाडा नाम की है? मेरा नाम महरूप है। इस तस्वीर विच दो कुड़ियां आपस विच गल कर रही हैं ते दूसरी तस्वीर विच एक कुड़ी अपने विचारां नूं लिख के सांझा कर रही है। अपनी गल एक दूजे नूं दसन लई उह जिहड़े शब्दां दा प्रयोग कर रही हैं उसनूं बोली जां भाषा आखदे हन। जिवें असीं पहले भी समझिया कि असीं एक दूजे नाल अपनी गल नूं करन लई जिहड़े शब्दां दा प्रयोग करदे हां उसनूं बोली जां भाषा आखदे हां। बोली जां बोली दी परिभाषा, मनुख अपने भावां ते विचारां नूं जिस साधन राहीं दर्शाउंदा है उसनूं बोली जां भाषा आखदे हां। असीं बोली तों बोलना, सुनना, लिखना अते पढ़ना चार काम लैंदे हाँ। जिवें कि असीं इस तस्वीर विच देख सकते हाँ, लोग आपस विच बोल रहे हन, सुन रहे हन, लिख रहे हन ते पढ़ रहे हन। ते बोली तो असीं बोलना, सुनना, लिखना ते पढ़ना ऐ चार काम लैंदे हाँ। बच्चो, पेज नंबर 7 नूं पढ़न तो पहला आओ असीं बोली दीआं किस्मां बारे जानकारी लईए। बोली दीआं दो किस्मां होंदीआं हन, बोलचाल दी बोली ते लिखती बोली। बोलचाल दी बोली विच असीं अपने मन दे भाव एक दूसरे नाल बोल के सांझे करदे हाँ। जिवें कि तुसीं तस्वीर विच देख सकते हो, माँ ते कुड़ी आपस विच अपने विचार सांझे कर रहे हन ते नेता जी भाषण दे रहे हन। बच्चो, बोलचाल दी बोली नूं असीं मौखिक भाषा भी आखदे हाँ। लिखती बोली विच असीं अपने मन दे भाव लिख के दूसरिआं नाल सांझे करदे हाँ। जिवें कि तुसीं देख सकते हो, बच्चे लिख के अपने मन दे भाव सांझे कर रहे हन। बच्चो, आओ हुण पेज नंबर 7 दी रीडिंग करिए ते होर जानकारी लईए। बोली दीआं किस्मां, बोली जां भाषा दीआं दो किस्मां हन। जिवें कि असीं हुणे पढ़िया, बोली दीआं दो किस्मां हन, बोलचाल दी बोली, लिखती बोली। बोलचाल दी बोली, जदों कोई व्यक्ति अपनी गल किसे दूसरे व्यक्ति नूं बोल के समझाउंदा है तां उसनूं बोलचाल दी भाषा आखदे हां। जिवें मम्मी अज सानूं स्कूलों जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि अज स्कूल दे बच्चे इनाम जीत के लियाए हन। बहुत वधिया, इह गल अपने
दोस्तां नूं भी दस गया। इस तस्वीर विच असीं इक बच्चा ते मां देख सकते हाँ। बच्चा मां नूं दस रहा है कि उसनूं अज स्कूल तो जल्दी छुट्टी हो गई। मां बच्चे नूं सुन के मां उसनूं आखदी है कि जा तू इह गल अपने दोस्तां नूं भी दस गया। इस तरह मां ते बच्चे ने बोल के अते एक दूजे नूं सुन के अपनी गल एक दूजे नूं समझाई। नंबर दो ते दूसरी है लिखती बोली। लिखती बोली विच जदों कोई व्यक्ति अपने मन दे भाव लिख के दूजिया तक पहुंचाउंदा है तां उसनूं लिखती बोली आखदे हां। असीं इसनूं पहले भी डिस्कस कर चुके हां, जदों असीं लिख के अपने मन दे भाव सांझे करदे हां ते उसनूं लिखती बोली आखदे हां। किताबां, अखबारां, रसाले भाषा दे लिखती रूप दा नमूना हन। साडियां किताबां, अखबार जिहनूं असीं न्यूज़पेपर आखदे हां, रसाले जिवें कि मैगजीन लिखती भाषा दा एग्जाम्पल हन, नमूना हन। जिवें उपरोक्त तस्वीरां विच, उपरोक्त मतलब उपर दित्तियां तस्वीरां विच तुसीं देखिया कि बच्चा लिख के लिख रिहा है ते एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, अध्यापक ब्लैकबोर्ड ते लिख के बच्चियां नूं समझा रहा है। बच्चा लिख के, आदमी पढ़ के ते अध्यापक लिख के अपने विचार सांझे कर रहा है। बच्चियो, असीं बोली तो बोलना, सुनना, लिखना अते पढ़ना चार काम लैंदे हां। आओ हुण तुसीं पेज नंबर 6 ते 7 दी बार बार दोहराई करोगे। धन्यवाद।